नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ फिर से आपके सामने लेकर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और सेशन। आज की जो हमारी टॉप 6 स्टोरीज रहेंगी दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले उड़ान स्कीम के ऊपर पे। उड़ान डे कौन से दिन को मनाया जाता है वो भी हम देखेंगे। उड़ान डे भी है, जी हाँ बिल्कुल उड़ान डे भी है। दूसरा हम बात करेंगे डीएपी को लेके, इसकी शॉर्टेजेस हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और क्या इसके पीछे का कारण है उसको समझेंगे। फिर हम बात करेंगे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है। अभी हाल फिलहाल ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था जिसमें भारत की रैंक 101 आ गई थी, तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को हम देखेंगे। साथ ही साथ दोनों को हम क्लब करने की या फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैलेंडर्स इन इंडिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कितने टाइप के कैलेंडर्स हैं जो चलते हैं, कैलेंडर्स, जी हाँ कैलेंडर्स। एंड फिफ्थ इज वर्ल्ड फूड डे, ये कौन से दिन को देखा जाता है वर्ल्ड फूड डे। एंड फाइनली जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया रिलीज्ड बाय नीति आयोग। एंड एट द लास्ट MCQs फॉर द प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। सबसे पहली हमारी स्टोरी है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम को आप देखेंगे तो भारत सरकार ने इस स्कीम के कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए 21 अक्टूबर को उड़ान डे जो है वो घोषित कर दिया है कि 21 अक्टूबर वो क्या रहेगा, वो उड़ान डे रहेगा। अब 21 अक्टूबर 2016 को ही ये जो स्कीम थी वो लॉन्च की गई थी। उड़ान का यहाँ से मतलब है उड़े देश के आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी जो सिविल एविएशन मंत्रालय के तहत जो है इसे कनेक्ट किया गया था। अभी तक 387 रूट्स और 60 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज किए जा चुके हैं, जिसमें से 100 रूट्स को जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही बनाया गया है और उनको अवार्ड भी दिया गया है, उनको सम्मानित भी किया गया है। अब इसके 4-5 फेजेस थे, बेसिकली अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो 6 फेजेस थे, उसमें से एक फेज का नाम था कृषि उड़ान स्कीम। इसके तहत 16 एयरपोर्ट्स और आइडेंटिफाई किए गए जिससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अच्छा हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप बेटर किया जा सके, कार्गो मूवमेंट्स वगैरह सब बढ़िया तरीके से हो, तो 16 और एयरपोर्ट जो है आइडेंटिफाई किए गए थे। अभी हाल फिलहाल आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक एयरपोर्ट अभी इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो बच्चे यूपी सिविल सर्विसेज देने जा रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी में ही है ये, राइट, कुशीनगर यूपी में है। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा तो आपको शायद हो सके, मेरा ये अंदाजा है कि सवाल वहां पे टकराएगा। चले बहरहाल बात करते हैं उड़ान के ऊपर। उड़ान का जो पहला फेज था इसमें 5 एयरलाइन कंपनीज को अवार्ड किया गया था फॉर 128 फ्लाइट रूट्स और से लेकर 70 एयरपोर्ट जो है उस वक्त ऑपरेशनलाइज किए गए थे। फिर उड़ान 2.0 आया 2016 में, पहला आया था 2018 में, फिर दोबारा लेके आई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। इसके तहत बोला कि हम 73 ऐसे एयरपोर्ट्स बनाएंगे जहां पर कहीं पहुंच नहीं है, अनडिजर्व्ड है या फिर अनसर्व्ड है, उनको हम देखेंगे। साथ ही साथ पहली बार हेलीपैड्स वगैरह को भी इसमें कनेक्ट किया गया था उड़ान 2.0 में। उड़ान 3.0 की अगर हम बात करें तो इसमें जो टूरिज्म के रूट्स थे उनको कोऑर्डिनेट किया गया विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और साथ ही साथ इसमें जो सी प्लेन्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। और फिर यहीं से ही उड़ान 3.0 से ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। फिर उड़ान 4.0 है जो 2020 में आया, इसके तहत जो इसका जो चौथा राउंड था इसके तहत 78 नए रूट्स को अप्रूव्ड किया गया, जिसमें से कुछ नाम है जैसे कि कावरती, अगती, मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, इन सब को कनेक्ट करने की बात की गई उड़ान 4.0 के तहत। फिर आया आपका उड़ान 4.1। उड़ान 4.1 के तहत छोटे छोटे जो स्मॉलर एयरपोर्ट्स होते हैं ना, स्पेशल हेलीकॉप्टर टाइप के सी प्लेन रूट्स वगैरह, इन सबको कनेक्ट करने की बात कही गई। बेसिकली सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज जो था वो इसी में ही प्रपोज किया गया था उड़ान 4.1 में। एंड फिर आया कृषि उड़ान स्कीम, उसके तहत मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये था उड़ान स्कीम से रिलेटेड कुछ जानकारी, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट जो भी हाल फिलहाल हुई, इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। और कुछ अलग से जानकारी के लिए ये एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक है जो MyGOV की वेबसाइट से मैं उठा के आपके लिए लेके आया हूँ, इसको आप देख लीजिएगा आराम से। अब चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट। किसान जो है काफी सारे राज्यों से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, ये सब क्या कर रहे हैं कि ये एक शॉर्टेज महसूस कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स की, और फर्टिलाइजर्स में भी स्पेसिफिकली कहा जाए तो डाई अमोनियम फॉस्फेट की जो है वो शॉर्टेज महसूस हो रही है। और रबी का जो सीजन है वो आने वाला है, रबी के सीजन में बुआई होती है, सोविंग होती है, उस सोविंग के लिए फिर इन फर्टिलाइजर्स वगैरह की जो है जरूरत पड़ती है। हालांकि
सरकार ने डीएपी जैसी फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी को इंक्रीज किया है, 140% बढ़ाया है, राइट। ये दूसरा सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला फर्टिलाइजर है, तो पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? तो पहले नंबर पे यूज होता है यूरिया। ये बेसिकली नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है, यूरिया इज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो कंसंट्रेशन होता है वो नाइट्रोजन का होता है। डीएपी में ज्यादातर जो कंसंट्रेशन है वो फास्फोरस का होता है, दैट इज 46%, और नाइट्रोजन कितना होता है? 18%। और फास्फोरस जो है वो रूट डेवलपमेंट के लिए, कुछ भी आप बवाई कर रहे हैं तो उसके जड़ों की डेवलपमेंट के लिए काफी बेहतर होता है। तो ये इस वक्त किसानों को चाहिए, लेकिन वो उतनी मात्रा में है नहीं, शॉर्टेज हो रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो डिसरप्शन है ग्लोबल सप्लाई में, जैसे कि लॉजिस्टिक्स वगैरह में जो डिले हो रहा है पेंडेमिक के कारण, लॉकडाउन वगैरह जो रहा, तो डिसरप्शन इन द ग्लोबल सप्लाई, जो सप्लाई चेन है उसमें वो डिसरप्ट हो रहा है। उसके बाद जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं उसकी प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण जो है कम स्टॉक मिल रहा है। फिर फिक्स सब्सिडीज जो कंपनीज को दी जा रही हैं वो भी एक रीजन है, राइट। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर इनको ये सारे मतलब फर्टिलाइजर्स नहीं मिले, और जो बुआई का जो सीजन आ रहा है, रबी का जो सीजन आ रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा कि सही तरीके से पैदावार नहीं हो पाएगी, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उस टारगेट को अचीव नहीं किया जाएगा, वो मिस्ड आउट हो जाएगा। तो ये एक उसका इम्पैक्ट है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को तुरंत इसे एक मतलब अर्जेंसी के तौर पे लेना चाहिए, जो जो भी मतलब लॉजिस्टिक्स के बेसिस पे जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हें फटाफट रिजॉल्व करने चाहिए, कंजम्पशन सेंटर्स को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, राइट। एक बार अगर किसान को पता चल गया कि भाई पूरा स्टॉक है, तो वो पैनिक बाइंग नहीं करेगा। जैसे कि कोविड आया था जब, तो सैनिटाइजर वगैरह की स्कीम जो प्राइस थी वो एकदम से भाग गई थी। क्यों? क्योंकि लोग पैनिक बाइंग कर रहे थे। पैनिक बाइंग करने का मतलब है पूरा मतलब लेके आ रहे हैं, पांच पांच छह छह दस दस बोतल उन्होंने करने शुरू कर दिए। तो पैनिक बाइंग में क्या होता है, फिर काला बाजारी हो जानी शुरू होती है। तो अगर एक बार किसानों को पता है कि भाई बहुत स्टॉक है, तो वो फिर आराम से इसे खरीदेंगे, पैनिक बाइंग वगैरह नहीं करेंगे। तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वो जो है डीएपी को यूज ना करके जो यूरिया का सुपर फॉस्फेट वाला जो सिंगल मिक्सचर है वो यूज करें तो काफी बेटर रहेगा, डीएपी को उतना यूज ना करें। अब देखते हैं थोड़ा चार्ट के ऊपर। चार्ट पे अगर आप यहाँ पे आएंगे रबी फर्टिलाइजर्स में, तो ये रहा यूरिया। 31 मार्च 2022 तक यूरिया की इतनी रिक्वायरमेंट है, राइट, इतनी रिक्वायरमेंट है। और अक्टूबर में, 1 से लेकर 19 अक्टूबर तक इतनी रिक्वायरमेंट थी और इतने की सप्लाई थी। तो यहाँ तो ये प्लस में है, बड़ा है ना इससे आंकड़ा। और यहीं पे अगर आप डीएपी में देखेंगे तो बड़ा तो है आंकड़ा, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, राइट। तो ये शॉर्टेजेस यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर सकता है। सो ये है स्टेटस फॉर द रबी फर्टिलाइजर्स, यूरिया एंड डीएपी। तो चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसमें क्या कितना कंसंट्रेशन है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, राइट। चलिए अगली स्टोरी पे आते हैं, दैट इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो भारत ने इसमें कितनी पोजीशन हासिल की है? इसमें भारत की रैंक आई है 71। पहले तो ये आपको ध्यान रखनी है, आउट ऑफ 113। इस इंडेक्स को फिर डिजाइन किसने किया है, यानी कि किसने इसको लॉन्च किया है, किसने बनाया है? तो लंदन बेस्ड जो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट है, जिसका नाम है और इसको जो स्पॉन्सर किया गया है, वो कॉर्टेवा एग्री साइंस। तो ये दो नाम आप याद रखेगा, लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट और स्पॉन्सर्ड बाय कोटेवा एग्री साइंस। एग्जाम में कुछ भी इन दो में से पूछा जा सकता है। 2021 का जो ये जो लेटेस्ट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया था, इसका ये 10वां संस्करण था, 10th एडिशन था। एनुअल पब्लिकेशन है, हर साल पब्लिश किया जाता है। इसमें जो जो मतलब जो पैमाने हैं इनके, जो इंडिकेटर्स हैं, वो क्या क्या हैं? एक तो अफोर्डेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, क्वालिटी है, सेफ्टी है, एंड नेचुरल रिसोर्सिस है, एंड रेजिलियंस है। तो ये सारे जो हैं इसके फैक्टर्स हैं, इनको मिला के 58 फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर्स इसमें बनाए गए हैं, राइट। और साथ ही साथ इस इंडेक्स में ये चिताया गया है कि UNSDG जो गोल्स हैं, जीरो हंगर 2030 के तरह, 2030 का, राइट, SDG जो गोल्स हैं उस पर काम करने की और उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पैंडेमिक ने रिवर्स गियर लगा दिया है, राइट। कहाँ जीरो हंगर मिटाने चले थे और कहाँ और लोग हंगरी होते चले जा रहे हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। टॉप रैंकर्स में बात करूँ तो आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूएस, इन सब ने टॉप रैंक जो है वो हासिल की है। इनका जो स्कोर रहा है वो 77.8 से 80 पॉइंट्स रहा है इंडेक्स के ऊपर में। भारत की पोजिशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, 71st की पोजिशन रही है, और स्कोर कितना रहा है भारत का? 57.2। ये स्कोर वगैरह थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो स्टेट सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये स्कोर वगैरह पूछ लेते हैं, राइट।
भारत के पड़ोसी देशों का अगर हम हाल देखें तो पाकिस्तान 75th पोजीशन पे है, श्रीलंका 77th पे है, नेपाल 79th पे है और बांग्लादेश 84th पे है। तो यहाँ भी सिचुएशन जो है काफी डिटेरियरेट हो रही है। बट द कंट्री वॉज वे बिहाइंड, मतलब चाइना जो है हमसे थोड़ा सा आगे, मतलब काफी आगे, 34th पे ही है, राइट। तो ये कुछ जानकारी थी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को लेके। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, भारत की रैंक कितनी है और नेबरिंग कंट्रीज में भारत किसको पीछे छोड़ रहा है और किससे आगे, मतलब भारत से आगे कौन है, वो सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। चलिए अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, दैट इज हमारी मजेदार स्टोरी, क्लासिफिकेशन ऑफ कैलेंडर्स इन इंडिया। तो बेसिकली भारत के अंदर में जो है चार तरीके के कैलेंडर्स चलते हैं, कौन कौन से। एक तो है विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC से हुई है और यहीं से जीरो ईयर काउंट होना शुरू हो जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया था विक्रमादित्य राजा ने, जिन्होंने साका के रूलर्स को हराया था और अपनी जीत की खुशी में उन्होंने विक्रम संवत जो है कैलेंडर वो लॉन्च किया था। इसे हिंदू लूनर कैलेंडर भी लूनर कैलेंडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो चंद्रमा की मूवमेंट है उसके ऊपर बेस्ड है। तो हर साल 12 महीने में इसे डिवाइड किया गया, यानी एक साल को 12 महीने में डिवाइड किया गया है और हर महीने के होते हैं दो फेज, 15 15 दिन के। एक होता है ब्राइट फेज जिसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है कि नए चंद्रमा से शुरुआत होगी और पूर्ण चंद्रमा पे खत्म होगा। फिर जो डार्क हाफ है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, इसमें उल्टा होगा, जो कि नए चंद्रमा से शुरुआत होगी, मतलब पुराने पूर्ण चंद्रमा से शुरुआत होगी और नए चंद्रमा पे ये एंड होगा। तो ये है विक्रम संवत, राइट। तो पूरे 15 15 दिन बैठे हुए हैं, इसमें एक साल में 354 दिन होते हैं, राइट। और हर तीसरे और पांचवे ईयर की साइकिल में, मतलब 5 साल की जो साइकिल है, तो जो थर्ड ईयर और जो फिफ्थ ईयर होगा उसमें 13वां महीना आ जाता है, जिसे ये लोग अधिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक मास। मास यानी मंथ ही होता है हिंदी में। दूसरे तरीके का जो कैलेंडर हमारे पास है वो है शाका संवत। शाका संवत जो है 78 AD में लाया गया था, वहीं से इसका जीरो ईयर जो है कैलकुलेट होता है, राइट। शाका रूलर्स ने कुशानों को हराया था, तो ये उनकी विक्ट्री को मार्क करने का एक तरीका था। इसे सोलर कैलेंडर भी कहते हैं और इसमें 365 मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 1/4 days होता है, राइट। और ये पूरा साइंटिफिक बेस पे बनाया गया है कि अर्थ इतने दिनों में, मतलब सूर्य के चारों ओर घूम जाती है, इतने दिनों के अंदर में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। ये किसने अडॉप्ट किया था? तो ये भारत सरकार ने 1957 में जो है साका संवत को अडॉप्ट किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑफिशियल कैलेंडर है हमारा भारत सरकार का। इसमें एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, जबकि विक्रम संवत में कितने थे? 354 दिन थे। फिर एक आता है हिजरी कैलेंडर, ये इस्लामिक कैलेंडर है। इसका जो जीरो ईयर है 622 AD से इसकी शुरुआत होती है और ये सऊदी अरेबिया में इस, मतलब इसको स्टार्ट किया गया था और वहां इसे अभी तक फॉलो किया जा रहा है। इसके तहत 12 महीने होते हैं और 354 दिन होते हैं, वही 354 दिन जो हमारे विक्रम संवत में लाया गया है। बेसिकली 354 क्यों है? क्योंकि देखिए चंद्रमा का जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा ना, वहाँ 354 ही आपको दिखाई देगा, राइट। जैसे इस्लाम में भी जब ईद मनाते हैं तो वहां पे चंद्रमा की ही पूजा की जाती है। विक्रम संवत में जो विक्रमादित्य थे वो भी चंद्रवंशी ही थे। तो ये कुछ जो है ना, मैंने एक हल्का सा, मतलब मेल मिलाप थोड़ा सा बताया है, राइट। इसमें जो पहला महीना होता है उसे मुहर्रम कहते हैं और 9वें महीने को रमजान कहा जाता है हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो सऊदी अरेबिया में चलता है, राइट। फिर फाइनली हमारे पास ये क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर को सिविल कैलेंडर के तौर पर भी यूज किया जाता है। 1582 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसे पोप ग्रिगोरी 13 के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने इस कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था। इससे मतलब इससे पहले कौन सा कैलेंडर था? तो इससे पहले जूलियन कैलेंडर था, लेकिन उसमें कुछ मिस कैलकुलेशन थी रिगार्डिंग द लीप ईयर, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर आपको थोड़ा सा यहाँ रखने की जरूरत है। अब ये कैलेंडर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हाल फिलहाल आसाम की सरकार ने अनाउंस किया है कि वो लोग लूनर सोलर कैलेंडर भास्करब्द, इसको अपना ऑफिशियल कैलेंडर डिक्लेयर करने वाले हैं, राइट। तो अभी असम सरकार में ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है? वही जो भारत सरकार का है, साका कैलेंडर, और ग्रिगोरियन कैलेंडर भी वहां पे चलता है, उन्होंने उसको भी अडॉप्ट कर रखा है। तो अब वो कह रहे हैं कि अब हम भास्करब्द जो लूनी सोलर कैलेंडर है, तो इसमें भी 354 दिन ही होंगे, तो जो लूनी सोलर कैलेंडर है उसको हम अपना ऑफिशियल कैलेंडर डिक्लेयर करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ कैलेंडर्स इन इंडिया। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस बार यूपीएससी ने पद्म अवार्ड भारत रत्न पे पूछ लिया, कैलेंडर पे भी कभी पूछ लेगी, तो बढ़िया नोट्स बनाना। अगली हमारी स्टोरी है वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को जो है, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसको मतलब 16 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO का गठन हुआ था। FAO जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की,
जिसका मुख्यतः काम क्या है कि हंगर को डिफीट करना, लेकिन अब वो तो हो नहीं रहा, एक तो और एक्सीलरेट हो गया, तो एफएओ का काम और ज्यादा बढ़ गया है। और एफएओ ने ये भी हाल फिलहाल ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला था, जिसमें भारत की रैंकिंग उन्होंने कितनी दिखाई, 101। हालांकि फिर भारत सरकार की प्रतिक्रिया आई इसके ऊपर और उन्होंने बोला कि जो असेसमेंट और जो मेथोडोलॉजी आपने यूज किया है वो पूरी तरीके से गलत है, हम इस रैंक को नहीं मानते हैं, राइट। दूसरी तरफ भारत के अंदर में अगर हम बात की जाए अन्नदाताओं के, किसानों के, अगर उसमें हम बात किया तो पिछले साल से बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं, तो वो फॉर्म लॉस को पूरी तरीके से मतलब अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये फॉर्म लॉस इम्प्लीमेंट हो गए तो उनके जो आय है और उनकी जो जीवन शैली है उस पर इसका असर पड़ेगा, और अगर वाकई ऐसा हो गया तो फिर हम हंगर इंडेक्स में और स्लिप करने वाले हैं, ये इससे साफ जाहिर है। एफएओ एंड इंडिया, और मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, सरकार सही रहे कि सरकार अगर जो कानून लेके आ रही है, अगर सरकार को लगता है ये सही है, और वो सही होनी भी चाहिए, वो उससे किसानों की आय दुगनी होनी भी चाहिए, लेकिन अब किसान अभी अगर अपनी बात रखें तो उसमें किसानों को भी थोड़ा सुनना जरूरी हो जाता है, राइट। अगर एफएओ और इंडिया की अगर हम बात करें तो एफएओ ने कुछ चिंताएं जताई हैं और साथ ही साथ काफ़ी काम भी किया है इंडिया के साथ मिलकर, जैसे कि इंडिया के उन्होंने कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं उसको सराहा है, जैसे माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022, राइट, इसे किसके तहत लाया गया है, पोषण अभियान जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का पार्ट है उसके तहत इसको लाया गया है। साथ ही साथ एफएओ ने सपोर्ट किया है कि हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वो डिक्लेयर करेंगे, राइट, क्योंकि भारत ने ये प्रस्ताव रखा था कि 2023 को जो है आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो डिक्लेयर कीजिए, तो वो उसका उसके सपोर्ट में एफएओ आया था। फिर कुछ और इनिशिएटिव जो भारत में लॉन्च किए गए, ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, इन सब मिशनों पे, इन सब स्कीम्स पे हमने बारी बारी से बात कर रखी है। साथ ही साथ कुछ नए बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज, जिसे बायो फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि जब आप खाने की जो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनकी जो वैल्यूज आप बढ़ा दो, उसे बायो फोर्टिफाइड कहते हैं। तो ऐसे 17 नए तरीके के वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स को लेके आई थी सरकार ने, इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही साथ ये भी बोला है कि 2022 तक हम ट्रांस फैट फ्री भारत जो है वो बना देंगे, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के से एक साल पहले का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि 2023 तक कर देंगे, राइट। तो ये सारे कुछ काम है, लेकिन फिर भी अगर इस पायदान पे हम फिसल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो 94 तो था ही ना, मान लेते हैं इस बार कुछ असेसमेंट और मेथोडोलॉजी में गलती आई होगी, लेकिन 94 तो पहले भी था ही, राइट, 94 से 101 पे हम आ गए, तो समवेयर इसी के बीच में हम झूल रहे हैं, लेकिन हमें इसको थोड़ा और सुधारने की जरूरत है। तो वर्ल्ड फूड डे आपको ध्यान रखना है, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। इस बार का थीम क्या था, तो थीम मैं आपको दिखा देता हूँ। थीम था आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, अ बेटर एनवायरनमेंट एंड अ बेटर लाइफ। तो यह है वर्ल्ड फूड डे। नेक्स्ट हमारी आज की फाइनल स्टोरी, जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, इससे पहले जुलाई 2021 इसी साल में उन्होंने एक जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज फॉर द वाटर सेक्टर इन इंडिया वो लॉन्च किया था। इसमें नीति आयोग की मदद किसने की है, तो नीति आयोग की मदद जो की है वो भारत किसान इसरो ने इसकी मदद की है, विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। तो इसमें होगा क्या कि एक भारत का जो पूरा जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसका एक होलिस्टिक पिक्चर जो है वो बनाया जाएगा बाय यूजिंग जीआईएस सिस्टम, राइट, यानी कि पूरा कंप्यूटराइज्ड वे में उसमें सारे रेंडरिंग मैप्स होंगे, डेटास वगैरह होंगे, एनालिटिकल सारी चीजें आके सामने आएंगी, कंप्यूटराइज्ड वे में रहेगा, ट्रेडिशनल मैपिंग से हटके बात की जा रही है, जिससे पॉलिसीज बनाने में या कुछ भी डिसीजन लेने में पूरी पूरी तरीके से भारत सरकार की मदद हो पाएगी, राज्य सरकार की भी मदद हो पाएगी, बेटर प्लानिंग रहेगी तो बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लिए जा सकेंगे, कोई भी डिजास्टर आपदा वगैरह अगर आने वाली है तो उससे भी निपटा जा सकेगा। तो ये मैप जो है वो नीति आयोग ने इन कोलैबोरेशन विद और इन एसोसिएशन विद इसरो जो है इसको लॉन्च किया है। तो इस तरीके का वो मैप है, एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, ये तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, वो बेसिकली जीआईएस सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड है पूरी तरीके से, राइट। तो ये कुछ हमारे आज के हॉट स्टोरीज थी जो आपने मेरे साथ डिस्कस की है। अब आते हैं हम अपने एमसीक्यूज पे, जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा हुई है 2021 की, उसके हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सवाल में क्या डिफिकल्टी थी, सवाल को किस तरीके से टैकल किया जाना था और क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिससे हम इसे पढ़ सकें, बेहतर कर सकें, ताकि जिनका प्रीलिम्स इस बार अगर खराब हो गया है, मार्क्स उतने नहीं बैठ पाए हैं, तो अभी निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। 6 महीने हैं आपके पास, 6 महीने के बाद फिर 5 जून को दोबारा से प्रीलिम्स है, तो तैयारी जो है जोर शोर पर ही रखिएगा, निराश होने से कुछ भी नहीं होगा। जो जो गलतियां हुई हैं लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स और जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको बेटर कीजिए, पावर नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए और पीटी एजुकेशन के चैनल को तो जरूर देखिएगा। तो हमारा जो पहला मतलब क्वेश्चन है
हम हिस्ट्री के सवाल ले रहे थे दोस्तों, अगर जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि पिछले 3 PIB के सेशन जरूर देखें, उसमें भी हमने हिस्ट्री के MCQs को हम तीन तीन क्वेश्चन करके जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इनको किस तौर पर रिमेम्बर किया जाता है? तो देखिए, प्रेम कुमार सहगल जो थे वो हस्बैंड थे लक्ष्मी सहगल के, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल वही थी जो सुभाष चंद्र बोस की जो रानी रेजिमेंट बनी थी उनको इन्होंने लीड किया था, नाम भी लक्ष्मी था ना इनका। तो लक्ष्मी सहगल जो थी वो वाइफ थी प्रेम कुमार सहगल की। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस ईयर APJ अब्दुल कलाम जी जब प्रेसिडेंट बनाए गए, तो उस वक्त प्रेसिडेंशियल के दौड़ में, यानी कि प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट बनने की रेस में इनका भी नाम शामिल था, लेकिन समहाउ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को वो उपाधि मिली। तो ये जो थे, ये तीनों के तीनों कौन थे? देवर द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके तीनों ऑफिसर्स थे। और साथ ही साथ एक खास बात ये थी कि ये तीनों अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ मुस्लिम, ही वॉज अ हिंदू एंड ही वॉज अ सिख। तो एक जो फ्रेटर्निटी थी अमंग द रिलीजन, वो भी ये कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रहे थे। इनके INA ट्रायल्स हुए थे, उस ट्रायल्स में जो इनके जो मतलब वकील थे, तो इनके वकील थे एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, एक भूला भाई देसाई थे और एक अरुणा आसफ अली थी, राइट। तो ये उनके वकील थे जिन्होंने इनका मतलब इनका इनके तरफ से केस लड़ा था, राइट। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल सवाल था। इस तरीके के सवाल याद रखना बड़े मुश्किल है, सिंपल फैक्ट तो याद नहीं हो पाते, ये कैसे होंगे, राइट। एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। अजंता केव्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर, सांची स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, पांडुलेना केव्स शाइन्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर और अमरावती स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। तो ये सारे केव्स के नाम तो हमने सुने हुए, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, सब सुना तो है, पढ़ा भी है इन सब के बारे में, लेकिन नदियों की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। नदियों को उतना मतलब देखा ही नहीं जाता, और ये नदियां भी थोड़ी मतलब पहले अगर ऑप्शन को देखा जाए तो बाकी सब नदी तो हम जानते हैं, लेकिन पहला थोड़ा ऑप्शन जो है अनसाउंड सा महसूस हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन में से मैं काउंट करूंगा। अगर इसको एग्जाम में करना होता, मान लीजिए कि अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं इसको कैसे करता, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से टैकल करता कि ये सारे नदियों के नाम हमने सुने हुए हैं, इस नदी का नाम नहीं सुना हुआ है। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके का लॉजिक लगा के इसे एलिमिनेट किया जा सकता था। सो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अजंता केव्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर, राइट। अगले सवाल पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और हमें बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो डिक्लेयर किया गया है बाय यूनिसेफ, राइट। दूसरा है द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से सवाल पूछ रहे हैं UPSC वाले, राइट। पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अगर आपको कोई डेट वेट की जानकारी भी नहीं है कि क्या ये दिन वो है या नहीं, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। ये क्या है यहाँ पे दोस्तों? ये है लैंग्वेज। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ किसके लिए काम आती है? यूनिसेफ काम आती है चिल्ड्रंस के लिए। तो उनका लैंग्वेज से तो कोई लेना देना है नहीं, लैंग्वेज बेसिकली कल्चर और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो यहाँ पर यूनिसेफ नहीं होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा यूनेस्को। तो पहला तो हो गया गलत, राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो पहला नहीं आ सकता तो ये उड़ गया। अब इनमें से कोई एक होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो बांग्ला की डिमांड वहां से उठ रही थी, और ये बिल्कुल सही है। 1956 में पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट मतलब बनाया था, और तब से ही लेके बांग्ला की जो है एज ए नेशनल लैंग्वेज वो डिमांड जो है वहां से उठ रही थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टू ऑनली, राइट। तो ये तीन सवाल थे दोस्तों, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइए, और अगर और मजा लेना चाहते हैं तो आइए एनरिच कंटेंट रेगुलर स्टडी वाले ग्रुप में। PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है आपके लिए, पावर ऑफ 10, CA बूस्टर प्रीमियम, आप सभी का स्वागत है। आइडियल फॉर प्रोफेशनल, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, MBAs एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं आपके लिए UPSC की परीक्षाओं के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और सिविल तपस्या का पोर्टल है, इसको पूरी तरीके से यूज कीजिए। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे दोस्तों, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।